स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंटरबरी वर्सेस नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, जो प्लंकेट शील्ड का मैच सुबह स्टार्ट होने वाला है, मतलब बस थोड़ी देर में, 3-4 घंटे में। 5 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक ये मैचेस रहेगा, मतलब 4 दिन का टेस्ट मैचेस है जो भी प्लंकेट शील्ड का होने वाला है। खेला जाएगा मेन पावर ओवल रेंगियोरा में, मतलब न्यूजीलैंड के अंदर रेंगियोरा एक प्लेस है, उसमें मेन पावर ओवल ग्राउंड पे ये मैचेस पूरा खेला जाएगा। अब यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा पिच है, यहाँ पे बड़ा स्कोर बनते हुए दिख सकता है। और अगर पेसर्स यहाँ पे देखो, पेसर्स यहाँ पे रोल में आते हुए दिख सकते हैं, ना कि स्पिनर्स। स्पिनर्स उतना रोल में नहीं आएंगे क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आपको बारिश की संभावना है, मतलब सेकेंड डे और फोर्थ डे पर बारिश होने का चांसेस है, तो ओवर कंडीशंस रहेगा। उस कंडीशंस में जो भी है पेसर्स को हेल्प ज़्यादा मिलेगा, मतलब तेज़ी से हवा चलना वगैरह रहता है, तो पेसर्स के लिए पिचेस पे जो रहता है अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। स्पिनर्स को उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात करें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, तो 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है इन्होंने। अब यहाँ पे चेंजेस की पहले बात कर लेते हैं, ये तो बात कर ही लेंगे परफॉर्मेंस की, उससे पहले चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ब्रेट रैंडल, ब्रेट हैम्पटन और अनुराग वर्मा स्क्वाड के अंदर आए हैं। अब बाहर कौन हुए हैं? नेल वैगनर, टिम सोथी, कोलिंडे ग्रैंडहोम। थोड़े निगल्स की वजह से इन लोग को बाहर कर दिया गया है, मतलब ये 3 प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। अगर अपने टीम में लिया हुआ है तो इनको निकाल दो, बिल्कुल नहीं खेलेंगे, और स्क्वाड में भी अवेलेबल नहीं है। इन तीनों ने इनको रिप्लेस किया हुआ है। और केटेनी क्लर्क जो है वो अभी भी मतलब यहाँ पे है, स्क्वाड में है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन फर्स्ट 2 मैचेस में उतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया है। ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक रहेगी केटेनी क्लर्क की। टिम सियोफर्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है, मतलब IPL के लिए गया हुआ था लेकिन अभी तक रिटर्न वहाँ से हुआ नहीं है। अगर कुछ न्यूज़ मिलता है टिम सियोफर्ट का तो ज़रूर बता दूंगा। अब चलो बात कर लेते हैं इनके स्क्वाड की, मतलब जो स्क्वाड अभी रिलीज हुआ है इस मैच के लिए वो ये है। ये प्लेयर्स आपको यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस अगर बात करें तो जीत रावल फर्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 58 किया था, सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग नहीं की थी, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो प्लस करके मैंने दिया हुआ है वो आपको दोनों इनिंग्स का है। सेकेंड मैच में क्या हुआ, 9 रन और 15 रन किया। जीत रावल मैं नीचे आपको बता दूंगा प्लेयर कैसा है, परफॉर्मेंस पे मत जाना। हेनरी कूपर ने 68 किया, उसके बाद 12 और 85 किया सेकेंड मैच में। क्लर्क 30+24 लास्ट मैच में करके आ रहा है, उससे पहले सिर्फ 4 ही रन कर पाया था। जोसेफ कार्टर, मतलब जोई कार्टर, आपको अगर ड्रीम इलेवन में देखोगे तो जोई कार्टर दिखेगा, 26 रन किया पहले मैच में, दूसरे मैच में 146 नॉट आउट किया और प्लस 54 भी सेकेंड इनिंग्स में इसने किया हुआ था। वाटलिंग भी उतना कुछ कर नहीं पाया, पहले मैच में खेला नहीं था, दूसरे मैच में 25 और 15। ब्रेट हैम्पटन दोनों में नहीं खेला। कगलेजिन पहले मैच में 0 विकेट, दूसरे मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट। कगलेजिन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कगलेजिन को मिस मत करना। उसके बाद है अनुराग वर्मा, जो वो भी नहीं खेला था। उसके बाद आता है ईश सोधी, देखो स्पिनर है, मतलब इसको फर्स्ट इनिंग्स में उतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना इसको सेकेंड इनिंग्स में मिलने का चांसेस है। फर्स्ट मैच में तो 1 ही इनिंग्स में बॉलिंग किया, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग नहीं किया था तो 0 विकेट पर रहा। सेकेंड मैच में देखो, फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट लिया लेकिन सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे 4 विकेट निकाल के गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था स्पिनर्स जो भी है टीम का वो आपको सेकेंड इनिंग्स में मतलब परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, फर्स्ट इनिंग्स में उतना कुछ करते हुए स्पिनर्स यहाँ पे नहीं दिखने वाले हैं। और उसके बाद जोई वॉकर की बात करें तो इसका भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 0 विकेट। बार्कर भी 0 विकेट था, मतलब बेकर, जेम्स बेकर। वॉकर ने फर्स्ट इनिंग्स में मतलब सेकेंड मैच के फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग नहीं की थी, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग की, 1 विकेट लिया था। वॉकर भी मेरे हिसाब से स्पिनर ही है, हाँ राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है जेम्स वॉकर भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखो, सिर्फ सोधी को यहाँ पे बॉलिंग करवाया गया था लेकिन वॉकर से बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। और कैंटरबरी का भी प्लेयर है एक, जिसको बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में नहीं मिल रही है, सेकेंड इनिंग्स में लेकिन मिल रही है, वो भी स्पिनर है, मैं वो भी आपको नाम नीचे बता दूंगा। अब इनका प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये हो सकता है, रावल, हेनरी कूपर, जोसेफ कार्टर, केटेनी क्लर्क, वाटलिंग, ब्रेट हैम्पटन, स्कॉट कगलेजिन, अनुराग वर्मा, इस सोधी, जोई वॉकर, जेम्स बेकर या फिर ब्रेट रैंडल आपको यहाँ से खेलते हुए दिख सकते हैं। अब इनका स्टैट्स सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार नज़र डाल सकते हो। जीत रावल न्यूजीलैंड रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, 36 की एवरेज रखता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये जो स्टैट्स यहाँ पे दिया हुआ है सारा स्टैट्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है, बाकी किसी का ODI वगैरह लिस्ट ये T20 उसका नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का यहाँ पे स्टैट्स मैंने दिया हुआ है, ठीक है। जीत रावल अच्छा स्टैट्स है, हेनरी कूपर 39.93 प्लस रिसेंट परफॉर्मेंस भी बढ़िया है हेनरी कूपर का, 68-85 करके आ रहा है। उसके बाद है केटेनी क्लर्क, जो कि अंडर 19 का प्लेयर है, न्यूजीलैंड
अंडर 19 का, उतना कुछ खास मतलब स्टैट्स भी नहीं है, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, इसका नाम ज़्यादा है डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन उतना कुछ अभी बड़ा नहीं कर पाया, कभी भी बड़ा कर सकता है, आप ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है जोई कार्टर, ये भी अंडर 19 का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। बीजे वाटलिंग न्यूजीलैंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करता है, T20s ODIs टेस्ट वगैरह सब में खेल चुका है, ये भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था लास्ट मैच में, लेकिन मुझे इस मैच में अच्छा करते हुए दिखने की चांसेस लग रही है, क्योंकि बैटिंग पिच है तो अच्छा कर सकता है बीजे वाटलिंग। उसके बाद है ब्रेट हैम्पटन, जिसकी 33 की एवरेज है, 15 इनिंग्स में 15 विकेट लिया हुआ है। उसके बाद स्कॉट कगलेजिन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम, 28 की एवरेज बैटिंग से, प्लस आपको 248 विकेट्स इसने लिया हुआ है 135 इनिंग्स में। चेन्नई सुपर किंग्स में भी, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, सीपीएल में आपने देखा होगा स्कॉट कगलेजिन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो कगलेजिन आपको कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिख जाएगा, प्लस आपको बैटिंग से भी ये पॉइंट्स देते हुए दिख जाएगा कगलेजिन यहाँ पे। उसके बाद है अनुराग वर्मा, ये भी थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ा कम रन्स किया है, 22 इनिंग्स में 195 12 की एवरेज से, लेकिन विकेट सेक्शंस में आप देख सकते हो 23 इनिंग्स में 34 विकेट्स इसने निकाला है, इसको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अनुराग वर्मा को। उसके बाद इस सोधी है, सोधी के बारे में आपको क्या बताऊँ, पता ही है, इंटरनेशनल बॉलर है, ये भी आप इसको भी लेकर चल सकते हो। उसके बाद है जोई वॉकर, डिसेंट बॉलर है, ये चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जेम्स बेकर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम, लेकिन वॉकर का एक ध्यान रखना, बॉलिंग कम करेगा, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा कम ही करेगा या फिर बिल्कुल नहीं करेगा, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करेगा, विकेट मिला तो किस्मत अच्छी रहेगी, अगर विकेट नहीं मिला तो प्लेयर वेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद जेम्स बेकर और ब्रेट रैंडल की बात करें, तो जेम्स बेकर जो है न्यूजीलैंड को T20 इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर चुका है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 124 इनिंग्स में 189 विकेट्स इसने लिया हुआ है। उसके बाद रैंडल है, रैंडल राइट आर्म मीडियम बॉलर है, जो 21 इनिंग्स में 19 विकेट निकाला हुआ है, मतलब ये भी एक डिसेंट बॉलर है रैंडल और जेम्स बेकर यहाँ से। अब बात कर लेते हैं कैंटरबरी की, तो कैंटरबरी अच्छे फॉर्म में है भाई, मतलब देखो दो मैचेस में दोनों ये जीत के आ रहे हैं। अब इनका जो डेप्थ बैटिंग में रहेगा ना, वो आप टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनके कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि हो गए हेनरी निकॉल्स, टॉम लैथम वगैरह नहीं खेल रहे यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि अब इनका बैटिंग कैसे यहाँ पे परफॉर्म करेगा, क्योंकि टॉम लैथम जो था इनका ओपनर था, पहले दो मैचेस में टॉम लैथम ने ओपनिंग की थी, लेकिन ये मैच में टॉम लैथम खेल नहीं रहा है, तो अब देखना पड़ेगा कि कौन ओपन करेगा और परफॉर्मेंस इनका कैसा रहेगा। बॉलिंग भी थोड़ा, मतलब जो पुराने बॉलर्स थे वो भी नहीं खेल रहे, दूसरे बॉलर्स यहाँ पे खिलाए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसको अंदर लाया है, देखो एक तो है सीन डेवी, उसके बाद जैक्सन लैथम, उसके बाद है टाइलर लॉर्टन। लॉर्टन ने लास्ट मैच खेला था, मतलब स्क्वाड में तो था, और यहाँ पे डिबट कौन कर रहे हैं, सीन डेवी डिबट करेगा, जैक्सन लैथम डिबट करेगा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, और वो जो भी खेलेगा वो उसका पहला मैच रहेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात कर लेंगे एड न्यूटल की, तो न्यूटल यहाँ पे नहीं खेलेगा, न्यूटल को लिया है तो निकाल दो, हेनरी निकॉल्स को लिया है तो निकाल दो, मैट हेनरी को निकाल दो, हेनरी शिपले को हटा दो, ये प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, और इनके साथ साथ टॉम लैथम भी ग्रूम्समैन ड्यूटीज़ में है, और एंड्रयू हेजलडाइन जो है वो इलनेस की वजह से वो भी यहाँ पे नहीं खेलने वाला। इनका जो स्क्वाड रिलीज़ हुआ है वो ये है, इन्हीं प्लेयर में से आपको कोई 11 खेलते हुए दिखेंगे मेरे हिसाब से, नीचे प्लेइंग 11 एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे देख लेंगे कि कौन खेलेगा। उससे पहले देख लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से ये प्लेयर्स खेलने वाले हैं, चैट बॉस केन मैक्लूर ओपन कर सकते हैं, क्लॉय मेकॉन्की वन डाउन, डेरिल मिचेल टू डाउन, टेलर लॉर्टन, उसके बाद लॉय कार्टर, कैम फ्लेचर, थॉय वैन वेयरकम, विल विलियम्स, फ्रेसर शीट, सीन डेवी या फिर जैक्सन लैथम। डेरिल मिचेल भी ओपन कर सकता है, क्योंकि इसने बहुत बार ओपन किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभी यहाँ पे टॉम लैथम नहीं है तो ओपनर का बताना थोड़ा मुश्किल है कि कौन ओपन कर सकता है। मैक्लूर जो है वो टू डाउन बैटिंग करता है, क्लॉय मेकॉन्की वन डाउन बैटिंग करता है, तो मेकॉन्की भी ऊपर हो सकता है या फिर डेरिल मिचेल भी यहाँ पे ऊपर हो सकता है। अब मेकॉन्की की बात करें तो पहले मैच में 16 किया, पहले इनिंग्स में बॉलिंग नहीं की, सेकेंड इनिंग्स में 6 नॉट आउट प्लस 1 विकेट फर्स्ट मैच में, और सेकेंड मैच में भी देखो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग नहीं की, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग की लेकिन विकेट नहीं मिला मेकॉन्की को। उसके बाद चैट बाउस है जो फर्स्ट मैच में 39 प्लस 29 किया, सेकेंड मैच में एक ही इनिंग्स में बैटिंग की तो 13 रन किया। जैक बॉयल नहीं खेला था दोनों मैचेस में। उसके बाद है लियो कार्टर, कार्टर ने फर्स्ट मैच में एक इनिंग्स में बैटिंग की 20 किया, सेकेंड मैच में 87 किया था। सीन डेवी भी नहीं खेला था। कैम फ्लेचर ने भी फर्स्ट मैच में एक ही इनिंग्स में, मतलब इन्होंने दोनों मैचेस में
ये लोग यहाँ पे जो थे मैच ख़त्म कर दिए थे दो, मतलब देखो ये मैक्लूर यहाँ से बैटिंग किया था, मैकॉन्की और चैड बॉस यहाँ से बैटिंग किया था फर्स्ट मैच में, तो इनकी मतलब तीनों ने मैच ख़त्म कर दिया था, तो बाकी किसी को बैटिंग करने का यहाँ पे चांस नहीं मिला, जैसे कि लोई कार्टर को, कैम फ्लेचर को, डेरिल मिचेल को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। अब कैम फ्लेचर ने क्या किया, फर्स्ट मैच में 4 रन करके चला गया पहले इनिंग्स में, दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला नहीं, लेकिन सेकेंड मैच में एक इनिंग्स में मिला, तो 100 नॉट आउट की पारी खेली थी कैम फ्लेचर ने। उसके बाद है मैक्लूर जो 32+0 नॉट आउट फर्स्ट मैच में, सेकेंड मैच में 4 रन। उसके बाद डेरिल मिचेल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, 26+2 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग तो नहीं की, 4 विकेट इसने लिया हुआ था। उसके बाद सेकेंड मैच में 103 किया 0 विकेट, सेकेंड इनिंग्स में 2 विकेट, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। फ्रेशर शीट को खिलाया गया था सेकेंड मैच में, जिसने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट लिए, सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट लिया। उसके बाद थोई वैन वर्कम है, वर्कम देखो स्पिनर है, पहले इनिंग्स में इसने बॉलिंग नहीं की, सेकेंड इनिंग्स में की, यहाँ पे विकेट नहीं मिला। सेकेंड मैच में भी वही हुआ, पहले इनिंग्स में बॉलिंग नहीं की, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग की, लेकिन विकेट नहीं मिला। लेकिन बैटिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकता है थोई वैन वर्कम, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि पिचेस स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इन लोग का बॉलिंग करने का चांसेस थोड़ा कम ही है। विलियम्स एक अच्छी पिक हो सकती है, फर्स्ट मैच में 1 विकेट प्लस 4 विकेट, उसके बाद फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, तो मतलब देखो टोटल 7, 8, 12 विकेट ले चुका है 2 मैचेस में 4 इनिंग्स में। प्लेइंग 11 एक बार देख लो फिर से चाहो तो, बेंच पे जैक बॉयल मेरे हिसाब से होना चाहिए, अब देखते हैं कि बेंच पे कौन रहेगा और अंदर कौन आएगा और ओपन कौन करेगा। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करें तो क्लॉय मैकॉन्की की राइट ऑफ ब्रेक बॉलर है, प्लस बैट्समैन अच्छा है, मतलब बॉलिंग से तो उतना कुछ खास नहीं, बैटिंग अच्छी खासी करके आपको दे सकता है। चैड बॉस की बात करें तो साउथ अफ्रीका अंडर 19 से खेल चुका है चैड बॉस, मतलब यहाँ पे न्यूजीलैंड को भी रिप्रेजेंट करता है और साउथ अफ्रीका अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुका है। राइट आर्म मीडियम बॉलर है, ज़रूरत पड़ने पे कभी कभार बॉलिंग करेगा वरना नहीं करेगा। 27 की एवरेज है, जैक बॉल की 18 की एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं। लोई कार्टर अंडर 19 प्लेयर है न्यूजीलैंड का, 32 की एवरेज रखता है, अच्छी पिक होगी। सीन डेवी और जैक्सन लैथम ये दो प्लेयर जो हैं अभी तक डिबट नहीं किए हैं, जो भी खेलेगा वो इनके डिबट होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सीन डेवी अंडर 19 प्लेयर है न्यूजीलैंड का। उसके बाद है कैम फ्लेचर जो ये भी अंडर 19 प्लेयर है, 89 इनिंग्स में 2333 रन किया है, 1.95 की एवरेज, मतलब मान लो 32 की लगभग एवरेज है कैम फ्लेचर की। टेलर लॉर्टन लेग ब्रेक बॉलर है, ज़रूरत पड़ने पर यह भी बॉलिंग करते हुए दिख सकता है, लेकिन उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, एवरेज 16 की है बैटिंग से, तो एक डिसेंट पिक रहेगी, ग्रैंड लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैक्लूर को भी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, एवरेज अच्छा है लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाया है मैक्लूर अभी तक। यहाँ पे देख सकते हो मैक्लूर का उतना कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन कभी भी अच्छा कर सकता है मैक्लूर। यहाँ पे डेरिल मिचेल आपको पता ही रहेगा, डेरिल मिचेल तो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल प्लेयर है, सारे कुछ में रिप्रेजेंट कर चुका है, मतलब ओडीआई वगैरह में, टेस्ट में, तो ये भी एक अच्छी पिक रहेगी। 37 की इसकी एवरेज है, प्लस 90 इनिंग्स में 70 विकेट्स भी डेरिल मिचेल ने लिया हुआ है। फ्रेशर शीट भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर खेल जाता है तो इसको लेकर चलना है। राइट आर्म मीडियम बॉलर है, बैटिंग से तो उतना कुछ खास नहीं, लेकिन बॉलिंग से देख सकते हो 20 मैचेस में 42 विकेट्स लिया हुआ है फ्रेशर शीट ने, और लास्ट मैच में भी इसने क्या हुआ था भाई, 2 इनिंग्स में 6 विकेट निकाला हुआ था टोटल। तो फ्रेशर शीट एक बहुत अच्छी पिक हो सकती है, मतलब डिफरेंशियल पिक हो सकती है। वर्कम की बात करें तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर है, लेकिन उतना कुछ बॉलिंग करने का मौका मिल नहीं रहा है, और स्टैट्स भी उतना कुछ खास नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो अवॉइड करना ही थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन बैटिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकता है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। विलियम्स के बारे में तो आपको बताया था, अच्छी पिक रहेगी, ऑलरेडी बहुत सारे विकेट्स भी ले चुका है 2 ही मैचेस में, यहाँ पे देख सकते हो टोटल 12 विकेट इसने निकाला हुआ है 2 मैचेस में, मतलब 4 इनिंग्स में 12 विकेट ऑलरेडी वहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे भी दिखाता है इसका स्टैट्स, 47 इनिंग्स में 72 विकेट्स निकाला है टोटल यहाँ पे विलियम्स ने। तो अभी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें ना, तो जीत रावल है, हेनरी कूपर है, चैड बाउस है, डेरिल मिचेल है, क्लॉय मैकॉन्की है और स्कॉट कगलिन है। ये प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना यहाँ पे जीत रावल को, हेनरी कूपर को और डेरिल मिचेल को, इन तीनों में से जाने की कोशिश करना। डिफरेंशियल ग्रैंड लीग वगैरह, मिनी ग्रैंड लीग वगैरह में कगलिन को ट्राई कर सकते हो, मैकॉन्की को कर सकते हो, चैड बॉस को कर सकते हो, और यहाँ से कैम फ्लेचर भी है आपके लिए, वाटलिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है, विल विलियम्स का फ्रेशर शीट का भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है मिनी ग्रैंड लीग वगैरह के लिए। अब फिलहाल के लिए ये टीम मेरी रहेगी,
अगर मैं खेलूंगा तो इसी टीम के साथ खेलूंगा, चांसेस कम है क्योंकि मैं टेस्ट मैचेस ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। अगर जगा रहूँगा सुबह में तो ज़रूर बताऊँगा कि मैं किस टीम से यहाँ पर खेलने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने वाटलिंग को लिया, फ्लेचर को लिया, कूपर, रावल, चैट बॉस, ब्रेट हैम्पटन, फ्रेसर शीट, डेरिल मिचेल, कगलियजिन, ईश सोधी और विल विलियम्स को रखा है। सोधी की जगह पे सोच रहा हूँ किसी पेसर को लेकर चलूँ, लेकिन सोधी का मतलब देखो इसको थोड़ा भी टर्न मिले ना तो विकेट लेते हुए दिख सकता है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंस ही दे रहा हूँ सोधी के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए सोधी, स्पिनर नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे किसी फास्ट बॉलर को ले सकते हो, और फ्रेशर शीट की जगह पे मैकॉन्की को ले सकते हो, या फिर इन दोनों कीपर्स में से किसी को ड्रॉप करके यहाँ पे मैकॉन्की को आप ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल इन दोनों के साथ जाऊँगा, बैटिंग पिच मुझे लग रहा है तो इन दोनों को मैं ज़्यादातर बैट्समैन कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मैकॉन्की भी ऊपर बैटिंग करता है और बॉलिंग ज़रूरत पड़ने पे ही करेगा, मतलब सेकेंड इनिंग्स में ही, जैसे लास्ट दो मैचेस में भी देखा है, तो मैकॉन्की भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। जो भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।